ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से, जो जीपीओ पर अपनी समस्याओं को लेकर भू माफियाओं के खिलाफ प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को छुट्टी दी गई। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर भू माफियाओं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रही, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर तहसील सदर ग्राम न्यामो निवासी लियाकत प्रधान ने भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर 100 से अधिक पदाधिकारियों को दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक चिट्ठी लिखी है। यहां तक कि जॉक के माध्यम से कड़ी कार्रवाई एवं जांच के लिए प्रेषित की है। बता दें कि इसके साथ ही लियाकत प्रधान ने कहा है कि यूपी सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो भू माफियाओं को शरण दे रहे हैं, जो सरकारी जमीनों को हड़प रहे हैं। नहीं, परेशान तो हम नहीं है, परेशान तो जो भ्रष्ट अधिकारी है और भू माफिया एक दिन परेशान तो वही होंगे, लेकिन सच्चे आदमी को कठिनाई आती है। हमारी फाइल जो है मानव अधिकार में भी चल रही है, लोकायुक्त में भी चल रही है, अल्पसंख्यक आयोग में भी है। ये हमारी 100 चिट्ठी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्रालय को और सभी विभाग के अधिकारियों को दे रहे हैं। विधानसभा सत्र चलने से पहले अगर इनके ऊपर जो एक साल से बचाए जा रहे हैं माफिया और एमपी सिंह कोतवाल और समस्त उसका स्टाफ, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो विधानसभा सत्र चलने के से पहले ये आवाज़ हमारी विधानसभा में भी उठाई जाएगी। हमारे पूर्व में आप अल्पसंख्यक आयोग गए, मानवाधिकार परिषद गए, कई जगह गए, क्या उसका कोई निराकरण किया गया? नहीं, उनको 10 बार यहाँ तलब करे गए हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर कार्रवाई विचाराधीन है। और मानव अधिकार की जो रिपोर्ट आई है, मानव अधिकार की टीम गठित करते हुए जो जांच पर अधिकारी गए थे, तो वे लोग दोषी मिले हैं मानव अधिकार की रिपोर्ट में। उनको जो बचाव में लगे हुए हैं उसी को लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात करके और वार्ता करके इसको हम विधानसभा में भी उठाएंगे मामले को। विधानसभा कितने वर्षों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 1 साल से हम लड़ रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, जो अपराधों को शरण देने वाले कर्मचारी और अधिकारी थे वहाँ, जो सरकार को बदनाम कराने में लगे हुए हैं, जिनका नाम एमपी सिंह और समस्त उसका स्टाफ है, जो कई सौ करोड़ की भू माफियों ने धरती दबा रखी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के SDM, मुजफ्फरनगर सदर गूंगे बहरे भ्रष्ट हुए बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये आवाज़ अगर विधानसभा उठने से पहले पहले, विधानसभा सत्र चलने से पहले पहले अगर कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं विधानसभा में भी आवाज़ उठेगी। और विधानसभा के सामने भारतीय किसान देव सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हूँ, विधानसभा के सामने धरना भी लगाऊंगा, भी दे रहा हूँ। कितने अधिकारियों को? ये 100 अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश से लगाकर भारत सरकार के 100 अधिकारियों को मैं पत्र दे रहा हूँ। पूर्व में भी कई पत्र आप दे चुके हैं, क्या उसपे उन पे कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कार्रवाई को लोपापोती करके जो दबाई जा रही है, को एक बचाने में लग रहे जो है। आखिर कौन इस कार्रवाई को दबा रहा है? इस कार्रवाई को जो है समस्त जो भ्रष्ट अधिकारियों से, एमपी सिंह जैसे भ्रष्ट SO हैं, अभी जिला श्यामली में वो लाइन हाजिर भी हुआ था, एक सरकारी पिस्टल तान लिया था उन्होंने अपने एक सरकारी स्टाफ पे, अपने दरोगा पे, उसके कारनामे उसके जो है बहुत गंदे हैं। लियाकत प्रधान कातिल और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। 1 साल मुझे लड़ाई लड़ते हो लिए, चाहे जितने भी बाकी एज मेरी रह रही है, चाहे 2 साल की या 10 साल की, वो लड़ाई लड़ता रहूँगा। अभी तक इसके लिए क्या कहीं रहे आप? हाँ, मैं बहुत काफ़ी जगह जा चुका हूँ, लास्ट हमारा मामला रह रहा है। अब विधानसभा में हमारा विधानसभा क्वेश्चन लगेगा, जब भी विधानसभा सत्र चलेगा और विधानसभा में मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, विधानसभा के सामने अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं तो धरना भी लगाऊंगा। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जो रात का अंधेरा होते ही बिना परमिशन रोड कटिंग की जाती। मौके पर पहुंचे PWD के जय अंशुमान ने वहां का जायजा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि PWD की बिना अनुमति के कई मीटर तक रोड काट दी गई, जिस पर PWD जय अंशुमान का कहना है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली रोड को बिना परमिशन काट दिया गया। रोड कटिंग कर रही कटर मशीन को PWD के जेई ने अपने स्टोर भिजवाया और मौके से ठेकेदार फरार भी हो गया है। बताया जा रहा है कि जेई ने बताया है कि जिस रोड की परमिशन नहीं थी उसकी भी कटिंग कर दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना PWD के जेई को दी है। इसके साथ ही आइए देखते हैं लखनऊ के संवाददाता समीर खान की यह खास रिपोर्ट। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।